देखिए बीजेपी का साथ आतंकवादियों, बीजेपी का हाथ आतंकवादियों के साथ, मैं साबित करूंगा। डीएसपी देवेंद्र सिंह पकड़े गए थे पंजाब में, आप देखिए देश दुनिया में दो राष्ट्राध्यक्ष बन चुके हैं, अफगानिस्तान का होगा और अब दूसरा लग कर, अब देखते हैं तीसरा कहां का भागेगा। इमरजेंसी तो पहले से भी लग रही है लेकिन जनता अब इमरजेंसी को नहीं मानती। जब देश के हालात इतने खराब हो जाए, जब लोग भुखमरी के कगार पर खड़े हों, भूखे मर रहे हों, तो वहाँ इमरजेंसी नहीं देखी जाती। जहाँ के राजनेता ऐसो आराम करते हों और जनता भूखी मरती हो, उस देश में यही हाल होता है। देखिए देश दुनिया में दो राष्ट्राध्यक्ष भाग चुके हैं, एक अफगानिस्तान का भागा और अब दूसरा लंका का भागा, अब देखते हैं तीसरा कहाँ का भागेगा। देश दुनिया में हालात खराब है और राजनेता उसे समझ नहीं पा रहे, तो दुनिया की जो हालात है उसको देखते हुए जिस तरह का इनका रहन सहन है राजनेताओं का, उससे लगता है कि जनता अब अपने अपने देश में त्रस्त है। आप जर्मनी में देखो ना कितना बड़ा ट्रैक्टर आंदोलन कर रखा है, तो ये भारत का जो आंदोलन हुआ था किसानों का, उससे दुनिया सीख गई है कि आंदोलन ट्रैक्टरों से ही होते हैं। लेकिन ताओ वही जो टीएमसी के एक नेता ने कहा कि मोदी भी ऐसी भाग जाएंगे कभी, हाँ अगर गलत नीति इसी तरह की चलती रही तो भागना भारत वालों को भी पड़ेगा, यही फल पड़ेगा, आप कह रहे भागना पड़ेगा, लेकिन मोदी जी ने कहा है कि जितनी भी सहायता हो सकेगी मैं श्रीलंका की सहायता करूंगा। अपने देश की कर लो पहले, अपने देश तो खुशहाल है, खुशहाल है, हाँ पूरा देश खुशहाल है, सड़कों पे किसान पड़े हैं, युवा पड़े हैं, मजदूर पड़े हैं, महिलाएं न्याय मांग रही हैं, कोई रोजगार मांग रहा है, किसान अपनी फसल का दाम मांग रहा है, सेना अपनी नौकरी मांग रही है, कहाँ खुशहाल दे तो रहे सेना को। आपने देखा नहीं है कल सेंट्रल रिश्ता पे अशोक चक्र का निर्माण करवा रहे हैं। देखिए ये भी एक भारत की धरोहर से छेड़छाड़, और मैं तो शायद मुझे तो यहाँ तक जानकारी है कि कोई भी भारत की धरोहर से छेड़छाड़ करता है तो वो देशद्रोही में आता है। ये सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि अगर भारत की धरोहर से जिस तरीके से छेड़छाड़ हुई है तो उसमें क्या कानून बनता है, ये सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। अच्छा लेकिन नौकरी तो दे रहे हैं ना, आपने सेना की बात करी तो नौकरी भी तो दे, कहाँ नौकरी दे रहे हैं, कहाँ मिली है नौकरी, आवेदन सबसे ज्यादा इसी में हो रहा है, आवेदन से नहीं होता है, नौकरी निकली 700 आवेदन आ गया 7.5 लाख से नौकरी देना कहते हैं। आप कह रहे हैं बच्चे विरोध कर रहे हैं लेकिन बच्चे विरोध नहीं कर रहे हैं, आवेदन ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। आवेदन अरे रोजगार चाहिए देश के अंदर, वहाँ बेरोजगारी है तो रोजगार तो सबको चाहिए, रोजगार है कहाँ, 700 आदमी के लिए 7.5 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं तो इसे ही तो कहते हैं वहाँ बेरोजगारी और क्या है। लेकिन आप अपनी पद पर लगातार विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार अब भी कह रही है कि योजना अच्छी है, सरकार बताए ना किस तरीके से अच्छी है, बता तो दिया है तीनों सेना के अध्यक्ष ने आके बता दिया है, सरकार ने नहीं बता दिया है। क्या तीनों सेना के अध्यक्ष, अब सेना का काम नहीं होता ना राष्ट्र, सेना के अध्यक्षों का काम ये होता है कि सरकार की योजनाओं का भला या बुरा बताएं, सरकार की योजनाओं का प्रचार करें। जब सेना सरकार की भाषा बोलने लगे समझ लो देश तानाशाह की तरफ जाए। कहना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाहता हूँ, ये होता ही है जिस जिस देश की सेना सरकार के फेवर में बोलती है बताना सा होता बोली, सेना तो योजना का खाली क्यों, सेना को सेना क्या जरूरत है, जो सेना का अधिकारी इस योजना का समर्थन करता है वो पहले अपनी नौकरी छोड़ के आए तब पता चलेगा समर्थन कैसे होता है। अच्छा। मैं तो सारी सुविधाएं लूंगा हाँ। और दूसरों को ज्ञान दूंगा, तो बच्चे भी तो कह रहे चाहे 11 साल हो चाहे 4 साल हो देश की सेवा करनी है, मौका मिल रहा है बच्चों, वो कौन कौन कह रहा है, कोई बच्चा नहीं कह रहा है, वो अंधभक्तों की औलाद होगी जिन्हें जानना नहीं है। अच्छा मतलब जो समर्थन करे वो अंधभक्त, अरे समर्थन करे, किसान आंदोलन में भी तो सारे समर्थन में खड़े थे सरकार के साथ, क्या हुआ फिर सरकार को क्यों झुकना पड़ा, सरकार तो अभी नहीं झुकी, सरकार ने केवल आप लोगों की भलाई के लिए वापस लिया था लेकिन उसके बाद सरकार ने कहा था हमारी भलाई के लिए वापस लिया तो इसका मतलब हमारे विनाश के लिए लागू किया था, कहाँ से आ गया राजनीतिक तक, पाकिस्तान से आए थे, चीन से आए थे, अमेरिका से आए थे, कहाँ से आए थे, वो विदेशी से फंडिंग होने लगा था ना, कहाँ आंदोलन में इस कैसे आ गया विदेशों से फंडिंग, कनाडा सेना आपकी, आरबीआई आपका, सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, सारे देश की सीमाएं की सुरक्षा आपके अंदर में, और प्रधानमंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, वित्त मंत्री आपका, तो भारत में फंडिंग आ कैसे गई मोदी जी, यही आपका सवाल था मनमोहन सिंह जी से, आज मैं आपसे पूछता हूँ फंडिंग देश में आई कैसे। अच्छा लेकिन आप लगातार कहते कि प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ते, माता अली का जो अपमान हुआ उस पर तो चुप्पी तोड़ दी है प्रधानमंत्री, ये धार्मिक बातों पर मेरे से बात मत करो क्योंकि मैं धार्मिक वालों पर किसी पे बात नहीं करता, धार्मिक अपमान हो रहा है, किसका अपमान हो गया, माता अली का अपमान किसने किया, किसने किया, किसने किया माता अली का अपमान, पोस्टर एक लॉन्च हुआ उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा,
जेल क्यों नहीं भेजा? जेल कौन भेजेगा? कौन भेजेगा जेल? अमेरिका की पुलिस आएगी क्या पकड़ना? गृह मंत्री तुम्हारा, सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, तो जेल क्यों नहीं भेजा? जनता में बस द्वेष फैलाना यही इनका काम है, जेल क्यों नहीं भेजते? असामाजिक तत्वों को जेल कौन भेजेगा? अच्छा। जेल भेजते तो फिर आप सवाल खड़े करते हैं। किस पे सवाल खड़ा कर दिया? जेल मोहम्मद जुबेर जो है, पत्रकार, उनको तो उसने क्या किया था? उसने एक पिक्चर का फोटो ट्वीट किया था। हाँ। वो पिक्चर बनी थी, हाँ बनी उसका थी। एक फोटो ट्वीट किया था। हाँ। तो वो अगर वो गलत था तो उस पिक्चर का प्रोड्यूसर जेल जाना चाहिए था। अच्छा। जिस सेंसर बोर्ड ने उस पिक्चर को पास किया था वो सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष भी जेल जाना चाहिए। तो ये जाने चाहिए ना, जो असली मुजरिम है तुम उसे पकड़ते नहीं हो और दूसरों पे आके बहन लगा। आपने कहा था ना कि नुपुर शर्मा वाला मामला हुआ तो उसमें प्रधानमंत्री चुप रहे, लेकिन जितने भी अब पकड़े जा रहे हैं वो सारे बीजेपी के निकल रहे हैं, चाहे नुपुर शर्मा का केस हो या फिर कश्मीरी पंडितों का हो। देखिए, बीजेपी का साथ आतंकवादियों के, बीजेपी का हाथ आतंकवादियों के साथ। अच्छा। मैं साबित करूंगा। डीएसपी देवेंद्र सिंह पकड़े गए थे पंजाब में आतंकवादियों के साथ, आतंकवादियों को दिल्ली लाते हुए, बताइए वो कहाँ है? कहां क्या है? कहना चाह रहे हो? कहाँ है? बताइए ना, मैं कह रहा हूँ बीजेपी फरार है। वो फरार नहीं है। आ? कौन कह रहा फरार है? क्लीन चिट दे दी है बीजेपी ने उसे। तो समझ गए? जो सरेआम आतंकवादियों को लाते हुए पकड़ा गया गाड़ी में, अपनी निजी गाड़ी में, वो तो वहाँ के जो दूसरी चीज, गवर्नर ने ये लेटर लिखा कि देश हित में नहीं है जांच करना उसकी। अच्छा, आतंकवादियों के साथ पकड़े जाने वाला की जांच करना देश हित में नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा कहा गवर्नर ने लेटर लिखा था, बहुत अच्छी बात है होम मिनिस्ट्री को। अभी यहाँ से आपने देखा होगा राजस्थान में। हाँ। है एक वो कन्हैया लाल की। हाँ, निर्मम हत्या की गई है। हाँ। हत्यारे बीजेपी समर्थक, देश में दंगा फैलाने वाली, जिससे प्रेरणा लेकर उन्होंने उसकी हत्या की, वो बीजेपी की। अभी एक आतंकवादी पकड़ा गया जम्मू कश्मीर में, वो बीजेपी की आईटी सेल का हेड। सारे आतंकवादी बीजेपी में। अच्छा। और किसके और क्या ना वो इतनी बड़ी पार्टी है, कौन आ जाता है उसमें? बीजेपी की क्या गलती है? पदाधिकारी कोई भी बन जाएगा तो उसके माथे पे तो आतंकवादी नहीं लिखा होगा। क्यों नहीं लिखा? जब तुम पदाधिकारी बना रहे हो तो फिर तुम उसकी जांच नहीं करते? किसी को पदाधिकारी बना रहे हो कि ये क्या है, इसका क्या स्टेटस? जब बनाया था तब नहीं था ना आतंकवादी, बाद में बन गया। उससे पहले आतंकवादी था, आज कैसे पुलिस बता रही है कि कहीं ब्लास्ट में ये इन्वॉल्व था? आज कैसे बता रही है पुलिस? क्या लगता है आपको भारत भी? की पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई, वो तो ग्रामीणों का शुक्रिया जो उन्होंने उसे पकड़ के भारत की पुलिस क्यों भारत की पुलिस पकड़ना नहीं चाह रही थी या पकड़ नहीं पाई, ये तो वो बताएंगे, मुझे क्या जानकारी।